नमस्कार। कोरोना पे मैं थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहूँगा। देखिए, जो मॉर्टेलिटी रेट है इसके अंदर भले 3% है, पर जिन लोगों को किसी प्रकार के इलनेसेस हैं उनके अंदर मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा है। और अगर किसी को कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम है तो ये मॉर्टेलिटी रेट है 13% के आसपास, जो अभी तक डेटा आ रहा है उसके हिसाब से। डायबिटीज़ के पेशेंट्स में करीब 9-10% है। उसी तरह से जिनको क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीजेज हैं, सांस की किसी तरह की बीमारी है, तो उसमें ये लगभग 8% है। ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में भी लगभग 8% है। कैंसर या किसी प्रकार की क्रॉनिक इलनेसेस के अंदर 7% के करीब है। और यंग लोगों के अंदर भी डेथ का जो परसेंटेज है वो है लगभग 0.9%। तो ध्यान रखें, अगर आप यंग भी हैं तो भी नॉर्मल फ्लू इलनेस के अंदर जो डेथ का परसेंटेज ओवरऑल होता है वो होता है 0.1%। और कोरोना के अंदर यंग लोगों के अंदर भी, मतलब 60 के नीचे जिनको इलनेसेस नहीं है उनमें भी, जो 40s-30s के अंदर है उनमें भी लगभग 0.9% है। तो डेथ का परसेंटेज तो ज़्यादा है, रिस्क है, सभी को है। वो बात अलग है, जिनको ये इलनेसेस है उनको रिस्क ज़्यादा है, और ख़ास तौर से जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज ड्रग पर हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के हैं, या फिर किसी और प्रकार की इलनेसेस के हैं, इवन टीबी के पेशेंट्स हैं, तो उन सब के अंदर ये रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो मैंने आपको परसेंटेज उसका बताया, उस हिसाब से आप लोग केयर लें और कोरोना के लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें, इस बीमारी को निकल जाने दें। थैंक यू।